Hey, welcome back to my YouTube channel Mad X Rider. और मैं हूँ आपका दोस्त अमन, लेके आता हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग सा व्लॉग आपके लिए। एंड मेरे सौरभ है मेरे साथ और भाई भी पालमपुर से ही है भाई, है ना। ये भाई मेरे को रैंडमली मिल गए थे, मतलब लुधियाना में। तो अभी हम लोग जो है ना आज साथ में राइड करने वाले हैं। एंड एक शॉप है, मतलब लाइक बाइक मॉडिफिकेशन की शॉप, तो वहाँ पर चल के जो है ना हम दोनों अपनी अपनी बाइक्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कराएंगे। एंड जो कुछ भी होगा भाई पता चल जाएगा आपको, वीडियो में बने रहना एंड तक। तो मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। गाइस फाइनली आ चुका हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। एंड ये है सौरभ। अगेन आपको बता दूं कि ये बंदा भी पालमपुर से ही है भाई, मुझे रैंडम यहाँ पे राइड करते हुए मिल गया था। एंड इनके पास है NS 200। DM आया था इंस्टा पे मेरे को कि साथ में राइड करते हैं लेके, तो भाई मैंने मना नहीं किया, भाई के साथ फुल ऑन राइड हो रही है आज। एंड उसके अलावा यार आज प्रॉपर जैकेट वैकेट वेयर नहीं किए हुए हैं, क्योंकि यार पंजाब में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भाई, मतलब अभी भी हेलमेट पहना हुआ ना भाई, लेकिन पूरा पसीना ही पसीना भर रखा है, मतलब बालकलावा पूरा का पूरा भीग रखा है भाई मेरा, है ना। बाकी यार PV लेजेंड व्हीकल को भी मैंने कॉल किया था, भाई आना है तो आजा ज्वाइन कर ले साथ में, लेकिन हर किसी को अपना अपना काम पड़ा है, तो भाई किसी को क्या ही बोल सकते हैं। एंड ऊपर से यार गर्मी ना, मतलब टाइम बता दूँ, टाइम 5:30 हो रहे हैं शाम के, संडे का दिन है आज। एक वाला सीन अभी थोड़ा सा रोड मिला है ना, मतलब सौरभ नहीं मान रहा है यार, पूरा का पूरा भगा के चला हुआ है। गरम गरम हवाएं चेहरे को झुलसाती हुई, देखो ज़्यादा ही हो गया यार। तो गाइस मुद्दे पे आते हैं, अभी हम जा रहे हैं, मतलब डिसाइड हुआ है कि आगे चल के एक मॉडिफिकेशन की शॉप है, तो भाई ने ना व्हील कवर चेक करो यार बाइक में कितने सही लग रहे हैं ना, लगाए हुए हैं। तो मैं सोच रहा था यार मैं भी लगवा लूँ अपनी एक्सोन के अंदर, क्योंकि यार मॉडिफिकेशन लाइक हो नहीं पा रही है उस लेवल तक। एंड आगे भाई को शॉप में चल के बता दूंगा कि मुझे लाइक इस टाइप की मॉडिफिकेशन करानी है अपनी बाइक में, तो कितना खर्चा रहने वाला है भाई, क्या कॉस्टिंग आने वाली है, सारा कुछ पता चल ही जाएगा। तो आज जो है कंफर्मेशन ही करानी है, लाइक छोटी मोटी चीज़ कोई पसंद आ जाएगी तो करवा लेंगे। एंड उसके अलावा भाई अभी तक तो बजट भी टाइट ही चल रहा है। ना बाइकर्स को देख के भाई लौंडे ना रेस करने लग जाते हैं, जो कि बुरा लगता है, लेकिन यार रहा भी नहीं जाता रेस किए बिना, बिकॉज यार किसी को आधा आगे जाता हुआ देख लूँ ना तो भाई रहा ही नहीं जाता यार, है ना। ये बंदा देखो कैसे कट लगा रहा है भाई, गलत सलत कट कट लगा के चला हुआ है, अभी गिरा था मैं भी। तो गाइज अभी आ चुके हैं फाइनली हम लोग हाईवे पे, 4 लेन वाले। एंड सौरभ भी भाई NS को पूरा पेल रहा है, और इसकी बाइक की ना 3rd सर्विसिंग भी हो चुकी है, तो ये इसकी बाइक पूरी तरह से खुल चुकी है गाइज, है ना। और अपनी की 3rd सर्विस है अगले मंथ, तो अगले मंथ भी मतलब सर्विसिंग का भी ब्लॉग आएगा। एंड आपको बता दूँ कि मतलब जो कुछ भी उसमें कॉस्ट वगैरह रहने वाली है सर्विसिंग की, या मतलब कुछ चेंजेस होंगे सर्विसिंग कराने के बाद, वो सारा कुछ बता दूंगा मैं आपको। एंड उसके अलावा भाई अभी सौरभ बोल रहा था चल खींचते हैं, तो आज इसको दिखाई देता हूँ अपनी RC की पावर। आइया डरिया
भाई बंदा नहीं मान रहा, बंदा कट मार के गया, मतलब इतना तगड़ा कट मारा ना भाई इसने। लाइक मेरा GoPro ना थोड़ा ऑफ रख कर रखा था मैंने, बहुत गलत कट मार के गया, अभी बताता हूँ इसको। ऐसा नहीं मानती यार, ये आगे सब है फेल, ये देती है सबको तेल। राइड करने का जो मज़ा है ना लाइक, मतलब बाइक को खुले रोड में भगाने का मज़ा भाई, ये तो एक ट्रू राइडर है ना वही बता सकता है आपको। अभी तो थोड़ा गर्मियाँ चल रही हैं ना, उसके चलते कुछ ट्रू राइडर बता नहीं सकता क्योंकि हेलमेट के अंदर पहले ही हवा टाइट हुई हुई है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लुधियाना के टोल के पास, जो कि दिल्ली अमृतसर वाले रोड पे पड़ता है। एंड सौरभ भाई पीछे ही आ रहा है, एंड सौरभ की फेवरेट लोकेशन है भाई यहाँ पे, तो आज आया हूँ इसकी फेवरेट वाली लोकेशन पे। और इसने बोला है यहाँ से हमारे को लाइक वो वाला कर्व जो है ना वो ऊपर चढ़ के जाना है। एंड इसने भी कर दिया है टर्न ऑन इंडिकेटर। तो गाइस ये आया है खतरनाक वाला टर्न, फेलो और लीन मारो। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, ए मज़ा आ गया भाई, क्या ही खतरनाक वाला टर्न था भाई, क्या ही खतरनाक, मज़ा आ गया पूरा मज़ा। तो गाइस देखो सौरभ कहाँ पे ले आया मेरे को, इसकी फेवरेट लोकेशन है ये, बोल रहा जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल बाकी में भाई, अच्छी जगह लेके आया सौरभ, सच में जंगल ही जंगल है। सो गाइज अभी हो रहा है पैकअप, लोकेशन कर लिया हमने, चेक इट आउट। ओए मेरी नहीं निकलनी है, ओए लगी आनी है रा, लगी आनी वहां। देखो अभी ना सौरभ ने लगाया था GoPro और यही जगह थी भाई, एंड मैं जा रहा था यहाँ से स्पीड में। एंड यार गाइज रोड चेकआउट करो यार, कितनी ज़्यादा ना मतलब क्रेशर ही क्रेशर पड़ा हुआ है, और मैं आया यहाँ से स्पीड में, ए दिख बाबे रेत, दिख रेत। तो लाइक ना मैं इस जगह पे घुस गया था भाई, ठीक है यहाँ पे घुसा हूँ, एंड भाई यहाँ पे टकराया हूँ, यहाँ पे टकराया, एंड उसके बाद सीधा हुआ बाइक, मतलब पता नहीं भगवान ने ही आज मुझे बचा लिया यार, भगवान बचा गए हैं, थैंक गॉड भाई, गलत ही क्रैश होने वाला था आज तो। मैं आ चुका हूँ मोटो एक्स ट्रेंड वाली शॉप पे, मतलब मॉडिफिकेशन की शॉप है, एंड भैया को बोला हुआ है मैंने व्हील कवर जो है बाइक में इंस्टॉल कराने हैं। सो अभी साइड से स्टॉक नील है भाई के पास, स्टॉक आया नहीं हुआ है, तो क्या पता अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर मिल जाता है तो लगवा लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो भाई भीड़ तो आप चेक कर ही सकते हो यार, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बाइक चेक करो यार यहाँ पे ना, मतलब बहुत ही खतरनाक खतरनाक तबाही बाइक्स जो है ना यहाँ पे भरी पड़ी हुई हैं। एंड गाइस अभी हम पहुँच चुके थे जमालपुर मोटो एक्सटेंड की शॉप पे,
अभी जो है ना बाइक में व्हील कवर्स जो मैं इंस्टॉल करवा नहीं पाया हूँ बिकॉज बाइक के पास ना स्टॉक ही नील पड़ा हुआ है। एंड ब्लॉक को करते हैं यार यहीं पे एंड, क्योंकि रात भी होने वाली है अभी एंड काम भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो ब्लॉक को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। You're everything you're fighting for.